सीरीज, लेकिन इस सीरीज से पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसने अगर देखा जाए तो और मजा जो है बढ़ा दिया है इस पूरे सीरीज का, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हुई है विराट कोहली को स्लेज किया गया है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली अब तक घर पे ही जीतते आए हैं, बाहर क्या होगा ये हम पहले टेस्ट के बाद देखेंगे। सीरीज से 24 घंटे पहले विराट को चाहे, अपनी गली में ही शेर है विराट। अफ्रीका में कोहली को करेंगे ढेर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ही विराट कोहली और उनके अफ्रीकी दोस्त एबी डिविलियर्स ने दोस्ती बनाए रखने की कसमें खाई। विराट ने तो अपना वादा रखा, लेकिन अफ्रीकी टीम ने वादा तोड़ दिया। अफ्रीका के तेज गेंदबाज बैटन फ्लैंडर ने कप्तान कोहली को न सिर्फ ताना दिया बल्कि ये तक कह दिया कि अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। Yeah, look, I think, you know, yeah, they have played most of the games at home, so it'll be interesting to see, you know, how they go, obviously, you know, yeah, in South Africa. Look, I think it's a total different ball game, obviously, in South Africa, and, yeah, you know, yeah, we're going to have to obviously wait and see, you know, once they pass the first dismiss and get. सिर्फ फिलेंडर ही नहीं बल्कि अफ्रीकी कोच ओटिस गिब्सन भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। You know, the bowlers, the first thing the bowlers will try and do is dominate the cover Boston and get the ball swinging and off-seam, and again, when you have world-class bowlers like that. फिलेंडर और कोच ओटिस की बदजुबानी की एक बड़ी वजह है केप टाउन में टीम इंडिया के क्या थे। केप टाउन में टीम इंडिया ने अब तक कुल 4 टेस्ट मैच खेले जिसमें से 2 हारे हैं और 2 ड्रॉ रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया इस बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हार की पुरानी कालिख को मिटाने और जीत का नया इतिहास लिखने आई है। Wanting to express ourselves, believing in our abilities, knowing that we have the right balance to win test matches in any conditions that we play at. इतिहास गवाह है कि जब जब टीम इंडिया को इस तरह के ताने मारे गए हैं, मैदान पर ताना मारने वालों की पूरी शामत आई है। उम्मीद है टीम इंडिया इन तानों का जवाब मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी टीम की बर्बादी से देगी।